अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज बतूल। वेलकम बैक इन बतूस किचन। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज बतूस किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ समर स्पेशल में बहुत ही मजेदार सा 7 लेयर मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल। बहुत ही मजेदार सा, बहुत ही यमी सा रेडी होता है। मैंगोज तो सबको पसंद है, और अगर आप उसी की कोई स्वीट डिश बनाए तो वो और ही मजे की बनती है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे दूध, मिल्क 1/2 कप, और इसमें मैं डाल रही हूँ मैंगो कस्टर्ड पाउडर 5 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। योग अब इसे साइड पे रखते हैं, कस्टर्ड प्रिपेयर कर लेते हैं। एक पैन लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ दूध, मिल्क 1 लीटर, कोई भी आप टेट्रा पैक का या खुला दूध जो है वो ले सकते हैं। दूध को अच्छी तरीके से बॉइल्ड होने देंगे। जैसे ही दूध बॉइल्ड होगा, इसमें हमने ऐड करना है जो मैंगो कस्टर्ड हमने प्रिपेयर किया था, वो आपने ग्रेजुअली ऐड करते जाना है और इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते जाना है। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे, विक्स करेंगे इसे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसे हम कुक करेंगे थिक होने तक, या आपने कुक करना है इसे 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखें जी, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, इतना थिक हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कंडेंस मिल्क। 1 कप मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ, मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है, और इसकी रेसिपी का लिंक मैं ऊपर आई में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ ये तैयार होता है, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये देखें जी, मिक्स हो गया। इसे आप ठंडा करने के लिए रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे। केक के स्लाइसेस ले लेंगे, 5 से 6 अदद मैंने केक के स्लाइसेस लिए हैं, और इसके जो हम क्रम्स कर लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको चूरा चूरा कर लेंगे। और ये हो गया, इसे साइड पे रखते हैं। अब गर्म पानी लेंगे 1.5 कप, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं मैंगो जेली 1 पैकेट। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे डिजॉल्व होने तक। ये हो गया, इसे साइड पे रखते हैं। कोई भी सर्विंग बोल ले लेंगे, और फर्स्ट लेयर लगा रही हूँ मैं मैंगो कस्टर्ड। इसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया ताकि इजीली मैं इसकी लेयरिंग कर सकूँ। सेकंड लेयर लगेगी केक क्रम्स रेडी किए थे, उसकी लेयर लगाएंगे। इसको अच्छे तरीके से फिल अप करेंगे। थर्ड लेयर लगेगी मैंगो कस्टर्ड की, फिर से अच्छी तरीके से इसको कवर कर देंगे मैंगो कस्टर्ड से। ये देखें जी, प्रॉपरली कवर हो गया। और फोर्थ लेयर लगाएंगे हम मैंगो जाली की। मैंगो जाली को आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, ये जमने ना पाए। हमने इसे लिक्विड में लगाना है ताकि इसे हम अच्छी तरीके से लगा सकें। ये हो गया, अब इसे हम ठंडा कर रहे हैं सेट होने तक। और देखें जी, जाली जो है वो जम गई है। अब फिफ्थ लेयर हम फिर से लगाएंगे मैंगो कस्टर्ड की। अब ऊपर से जो है लेयर को हम स्मूथ कर लेंगे, किसी भी केक नाइफ की मदद से आप स्मूथ कर लेंगे। 6th लेयर हम लगाएंगे मैंगो चंक्स की, अच्छी तरीके से ऐसे भी कवर करेंगे। अब ऊपर से हम डेकोरेट करेंगे व्हिपिंग क्रीम से। पाइपिंग बैग में आपने चाहे तो इसमें येलो कलर लाइट से मिला लें, और इसको हम फ्लावर्स, छोटे छोटे से फ्लावर्स बना के इसे डेकोरेट करेंगे। चेरीज का सीज़न है, चेरी के साथ इसे डेकोरेट करें। बहुत ही मज़ेदार सा बनके रेडी होता है। देखिए कितना मज़ेदार सा मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल जो है वो रेडी हो गया, बहुत ही यमी बना है। अब मैं इसे कट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि ठंडा होने के बाद कितना यमी लग रहा है। देखें जी, कितना मज़ेदार सा मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल जो है वो रेडी हुआ है। कहती है ना, आप लोगों को मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और बतूस किचन को सब्सक्राइब कर लें, और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ। साइनिंग आउट, लॉट्स ऑफ लव, रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।